हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम समझेंगे एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल। तो इस फिगर डायग्राम को देखिए, यहाँ पे दो लाइंस हैं, वन इज लाइन EF, अदर इज लाइन GH एंड लाइन AD इज द ट्रांसवर्सल। तो हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड एट ईच पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन। यहाँ पे जो लाइन AD है, लाइन EF और लाइन GH को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट B और पॉइंट C पे। तो हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड ऑन एट ईच पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट बी यहाँ पे कितनी एंगल्स फॉर्म हो रही हैं और पॉइंट सी यहाँ पे कितनी एंगल्स फॉर्म हो रही हैं। तो आप देख सकते हो पॉइंट बी पे देर आर फोर एंगल्स आर फॉर्म्ड एट ईच पॉइंट। फोर एंगल्स कैसे? एंगल ABE, एंगल ABF, एंगल FBC एंड एंगल EBC। तो यहाँ पे फोर एंगल्स बनी हैं एंड सिमिलरली पॉइंट सी पे भी फोर एंगल्स बनी हैं। Eight angles are formed by a transversal of two lines. Okay. अब these angles are grouped in different pairs of angles. First such pair is pair of corresponding angles. तो जो पहला pair है, that is the pair of corresponding angles. Corresponding angles का pair, ये first type of pair है. तो what are corresponding angles? तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स व्हेन द वन पेयर ऑफ आर्म्स ऑफ द एंगल लाइज ऑन द ट्रांसवर्सल इन द सेम डायरेक्शन एंड अदर पेयर ऑफ आर्म्स इज ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, देन दोज टू एंगल्स आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल्स। मैंने क्या बोला कि जब दो एंगल्स के आर्म्स ट्रांसवर्सल पे एक ही डायरेक्शन में हो, कैसे? एग्जाम्पल एंगल ABF एंड एंगल BCH, ठीक है, एंगल ABF एंड एंगल BCH। तो इनके आर्म्स देखिए, तो साइड BA एंड साइड CB ये दोनों साइड्स एक ही डायरेक्शन में है, राइट? दोनों साइड्स एक ही डायरेक्शन में है ट्रांसवर्सल पे, और जो दूसरे उनके साइड्स हैं, दूसरे उनके जो आर्म्स हैं, दीज आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। वो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे हैं। यहाँ पे H को मैं करेक्शन कर लेता हूँ। तो दीज आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल ABF एंड एंगल BCH दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो मैं फर्स्ट पेयर लिखता हूँ करस्पॉन्डिंग एंगल्स का, एंगल ABF एंड एंगल BCH। दिस इज फर्स्ट पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऐसे कितने पेयर्स बन सकते हैं? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर देयर इन सच अ डायग्राम व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस। तो कितने पेयर्स बनते हैं? तो मैं और एक एग्जांपल दे दूं आपको, एग्जांपल EBC एंड एंगल GCD। इनके भी आर्म्स देखिए, तो एक पेयर का जो एक पेयर है आर्म्स का, जैसे साइड BC और साइड CD, ये सेम डायरेक्शन में है, और जो उनके दूसरे आर्म्स हैं, दीज आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में है। इसलिए एंगल EBC एंड एंगल GCD इज वन अदर पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये दूसरा पेयर हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल्स का, एंगल EBC एंड एंगल GCD। तो ऐसे फोर पेयर्स बनते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स के। फोर पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस। ओके, नाउ वी विल सी another pair of angles, that is we'll say interior angles. So what are interior angles? Kya hai? So the two angles which are on the same side of the transversal and which lie between the given lines, yani do angles jo transversal ke same side mein ho aur dono lines ke beech mein ho। तो यहाँ पे कौन सी ऐसे एंगल्स हैं जो सेम साइड में हैं और उन लाइंस के बीच में हैं? तो एग्जांपल इस एंगल FBC एंड एंगल BCH। एंगल FBC एंगल BCH देखिए, वो ट्रांसवर्सल के दोनों राइट साइड में हैं, दोनों एंगल्स राइट साइड में हैं और ये लाइंस के बीच में हैं, देयरफॉर दीज आर इंटीरियर एंगल्स। तो वन सच पेयर इज एंगल FBC एंड एंगल BCH।
आप बी सी एच एंगल को एच सी बी भी नेम लिख सकते हो उसका, ऐसे भी उसको कॉल कर सकते हो। एंड वॉट इज द अदर पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो ये राइट साइड में हुआ, लेफ्ट साइड में भी एक पेयर है, और वो पेयर कौन सा है, एंगल ई बी सी, एंगल बी सी जी, एंगल ई बी सी एंड एंगल बी सी जी। तो टू पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस। नाउ वी विल सी वन मोर पेयर ऑफ एंगल्स, दैट इज अल्टरनेट एंगल्स। Now we will see alternate angles. So what are alternate angles? A pair of angles which is on the opposite side of the direction, opposite side of the transversal, and their arms on the transversal are in the opposite direction. Such a pair of angles is called alternate pair of angles. So example हम लेते हैं, जैसे angle EBC and angle BCH. तो angle EBC और angle BCH में इसका जो side BC है वो रे बी सी नीचे जा रही है, और एंगल बी सी एच का जो आर्म सी बी है वो अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है। तो आर्म्स ऑन द ट्रांसवर्सल आर इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड द एंगल्स आर ऑल्सो ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। जैसे ये एंगल ई बी सी वो लेफ्ट साइड में है ट्रांसवर्सल के, और एंगल बी सी एच इज ऑन द राइट हैंड साइड। तो इसलिए टू एंगल्स which are on the opposite side of the transversal and their arms on the transversal are also in the opposite direction, such pair of angles is called alternate angles. There are two type of alternate angles, one is interior alternate angle and other is external alternate angle. उसके भी मैं example आपको बताता हूँ। अभी जो हमने देखा angle EBC and angle BCH, because these are between the two lines, therefore this is called इंटेरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो वन इज इंटेरियर अल्टरनेट एंगल्स, इंटेरियर अल्टरनेट एंगल्स, एंड अदर पेयर ऑफ एंगल्स इज एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स का मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, एंगल ईबीसी एंड एंगल बीसीएच, एंगल ईबीसी एंड एंगल बीसीएच। कैन यू टेल मी द अदर पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, थिंक ओवर इट। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स का मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एंगल एबीई एंड एंगल एच सी डी। देखिए फिर से, साइड बी ए वो ऊपर जा रहा है, साइड सी डी नीचे आ रहा है, और ये जो एंगल्स हैं एंगल ए बी ई एंड एंगल एच सी डी, दीज आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये लेफ्ट में है, ये राइट में है। तो ये हुआ वन पेयर ऑफ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो फर्स्ट पेयर में लिखता हूँ एंगल ए बी ई एंड एंगल एच सी डी। आप दूसरा पेयर कौन सा है इसके ऊपर सोचिए। तो अभी हमने डिस्कस किए डिफरेंट पेयर्स ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस।